हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कटहल की मसालेदार सब्जी, एकदम स्पाइसी सी सब्जी इस तरह का। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे कोई भी बना सकता है, आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो कटहल लिया हुआ है, कटहल को छील के और धो लिया है। धोने के बाद में मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, थोड़ा बड़ा ही है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। में तेल गरम कर लिया है, अब इसमें हम कटहल डाल देते हैं। कटहल को हम गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। जब तक कटहल फ्राई हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी भी कर लेंगे। ये मैंने दो मीडियम साइज का टमाटर लिया है, टमाटर को हम काट लेंगे और दो मीडियम साइज का प्याज है, प्याज को भी काट लेंगे पतला पतले स्लाइस में। और तीन हरी मिर्च है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। दो लहसुन की कलियां हैं और एक इंच टुकड़ा अदरक का है। इन सारी चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा पानी डाल लेंगे और अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैंने देखिए पेस्ट बना लिया है, इसे अलग रखते हैं और अब प्याज को काट लेंगे। आप जिस तरह से प्याज काटना चाहते हैं उस तरह से काट सकते हैं, मैं इस तरह से इसको पतले पतले स्लाइस में काटती हूँ। इस तरह से इसे पतले पतले स्लाइस में काट लेना है। ये कटहल देखिए फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। बाकी का कटहल भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये कटहल भी फ्राई हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में भी हम सब्जी बनाएंगे, इसमें से थोड़ा सा तेल कम कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खड़ा मसाला, एक छोटा पीस दालचीनी का और एक बड़ी इलायची काली वाली छोटा सा पीस और दो तेज पत्ते। तेज पत्ता बड़ा है तो इसमें दो पीस कर देते हैं इस तरह से। इसमें कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर प्याज को दो तीन मिनट पहले भून लेंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं, नमक डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है। प्याज को भूनते हुए तीन चार मिनट हो गया है और प्याज का थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पिसा हुआ पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको दोबारा से दो तीन मिनट भूनेंगे, पानी थोड़ा इसका सूख जाए और अदरक लहसुन भी थोड़ा सा भून जाएगा। अदरक लहसुन और मिर्ची को दोबारा से तीन चार मिनट भून लिया है। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे और साथ में इसमें हम सब मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तो सिर्फ कलर के लिए ही होता है। 1/4 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना तीखा पसंद है। मैंने हरी मिर्च भी पीसा है इसलिए मैं मिर्ची बहुत कम डाल रही हूँ।
और 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, साथ में इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक हमें टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। पहले आप नमक थोड़ा कम ही डालें, बाद में अगर नमक कम लगे तो डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते। टमाटर को गलने तक का भून लेंगे। फ्लेम को हमें 0-2 मीडियम में ही रखना है। थोड़ा सा इसमें हम 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, इससे टमाटर जल्दी से गल जाएगा। इसमें का टमाटर अब गल चुका है, अब इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। इस कप से ये कप थोड़ा छोटा होता है। और अब इसमें उबाल आने देते हैं। इस मसाले में उबाल आ गया है, देखिए ये मसाला पकने लग गया है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ कटहल डालेंगे। मसाले के साथ कटहल को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को एकदम स्लो में कर देंगे। जो सबसे छोटा चूल्हा है उसी पे पकने के लिए रखेंगे, एकदम स्लो फ्लेम पर। ये सब्जी ऐसे ही धीरे धीरे पकता रहेगा, इसे हम कम से कम 15 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को पकते हुए 15-16 मिनट हो गया है और ये सब्जी ऐसी ही लिसमिसी सी रहेगी, इसे मैं तरी वाला नहीं बनाऊंगी। इसको हम थोड़ा चला देते हैं। ये सब्जी अब बन चुका है और अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम हल्का सा गरम पाउडर डालेंगे, मसाला। मसाले को अच्छे से मिला देंगे सब्जी में। और अब इसमें हम कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए। आप इसे अपने मन पसंद रोटी, पूरी, पराठा या चावल के साथ खाइए। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अपना कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।